गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास एट का चैप्टर टू आपके साथ डिस्कस करेंगे। 2.2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए 2.1, अब देखिए यहाँ पे एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 7 है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे प्लस उस साइड जाएगा माइनस में, इधर माइनस उस साइड प्लस, इधर मल्टीप्लाई उस साइड डिवाइड, इधर डिवाइड उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे दिया एक्स प्लस, उधर जाएगा माइनस में तो 3 हुआ, फिर बी वाले में माइनस उस साइड जाएगा प्लस में 15 हो गया, फिर इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 5 हो गया, इधर 2/3 उधर जाएगा तो क्या होगा 3/2, 7 2 14, 3 7 21। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.56, 7/9 माइनस में उधर जाएगा प्लस 25 होगा, इधर 25/7 हो गया। 2y + 9 इज इक्वल टू 4, तो उधर गया माइनस 9 तो -4 हो गया, डिवाइड किया -5/2। x + 3 + 5/2 इक्वल टू -3/2, तो x/3 इक्वल टू -3/2 -5/2। एलसीएम लिए तो -3 -2 -8/2, तो उधर ले गए तो -8 × 3/2, तो 2 से कट गया, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो -12 आया। अब देखिए बच्चों, अब 2.2 की बात करते हैं, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर 74, वन ऑफ द 10 मोर देन अदर देन वर द नंबर। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे दिया गया है अलग अलग नंबर, अदर नंबर एक्स है और एक एक्स प्लस 10 है, तो दोनों को ऐड करेंगे, x x 2 x + 10, उधर गया -64 और 2 से डिवाइड किया 32, पहला नंबर जो 42 अदर नंबर 32 हो गया। फिर टू नंबर्स, देखिए यहाँ पे दिया गया है द टू नंबर आर रेशियो 2:5 डिफर 66, देन व्हाट इज द नंबर, मतलब लेट नंबर फर्स्ट कितना है एक्स, मतलब लेट नंबर एक्स है, फर्स्ट नंबर 2x है और सेकंड 5x, इसका डिफर क्या है 5x - 2x, तो 66 / 22, तो पहला कितना हुआ 44, क्योंकि 2x = 2 × 22 और 5x = 5 × 22, तो कितना हुआ 22 × 5 = 110। अब देखिए बेटा नेक्स्ट दिया गया है आपको 3 कंजीक्यूटिव इंटीजर ऐड अप 51, व्हाट आर द दीज इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि कंजीक्यूटिव x x + 1 x + 2, तो देखिए x x + 1 x + 2 इक्वल टू 51, 1 2 3 और 1 2 1 3 डिवाइड कर दिए 48 आया, मल्टी माइनस कर दिए 48 आया, डिवाइड किए 16 आया। आप क्या करेंगे इसमें नंबर रख दें, 16 हो गया, एक 17 हो गया और प्लस 16 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से 4 है, व्हाट शुड बी एडेड ट्वाइस रैशनल नंबर इतना टू गेट इतना, इसमें दिया गया एक्स प्लस में क्या ट्वाइस करें कि आ जाए, तो 2 से मल्टी 14/3, तो उधर जाएगा तो प्लस हो गया। एलसीएम लीजिए, 7 3 = 21, तो 3 3 = 9, 7 14 7 = 98, ऐड कर दिए 107/2। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है तीस क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द 3 कंजीक्यूटिव नंबर 11 इज 363, फाइंड दिस मल्टीपल। अब देखिए बच्चों मैंने क्या किया, द नंबर्स हैं x x + 11 x + 22, एक्स तो मल्टीपल है क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 2 = 22, तो 11 हो गया, तो x x x 3x 11 + 22 33 उस गया माइनस हो गया, डिवाइड किया 110 आया, तो एक 110 हो गया, फिर 11 ऐड करेंगे 121, फिर और इसमें 11 करेंगे 132 हो गया। नेक्स्ट बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2.3 का है, यहाँ पे दिया गया है 2x - 3 = x + 2 दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक्स एक्स के एक तरफ एक्स है, इसको इस साइड ले लिए माइनस हो गया, ये 3 माइनस में उस साइड गया प्लस में हो गया, 3 2 5 और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 5x है और 5x + 9 = 5 + 3x, इधर ले आया 5 - 3, उधर गया 5 - 9, तो क्या हुआ 2x = -2, तो इधर आ गया -4/2, डिवाइड किए -2 आया। फिर 4y + 3 = 6 + 2y, तो अब क्या 4y - 2y = 6 - 3, तो क्या हुआ 2y = 3, तो 3/2 हो गया। 2y + 5/3 = 26/3 - y, तो इस तरफ ले आया माइनस में है, इस तरफ आया प्लस में हो गया, ये प्लस में उस साइड गया माइनस में हो गया, सबट्रैक्ट करेंगे 26 में 5, तो 21/3 आया और 3/y 3 से बन जा
3y/7, तो इसको डिवाइड किए ये आ गया। इसी तरीके से आई पार्ट है 2x/3+1=7, एक्स आप 8 15+3, इसको इस साइड ले आएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये दे आ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आया तो 2x/3 - 7x/15 एलसीएम लिए, 15 हुआ तो 5 5 * 10 - 7x, और यहाँ पे सेपरेट करेंगे 2 आया तो 3/15 = 2 आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/3 = 5 5 + 5 = 10 आया। फिर m - 17/2 2m - 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m - 17 2 2 = 4 and -14, तो ये आया। इसको इस साइड ले गए तो माइनस हो गया, इसको इस साइड ले गए तो -3 और 3 कैंसिल कर दिए, -1 आया। इसके बाद आगे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 3x + 1 = 5/2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 = 6x = 5x + 5, तो इधर सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया x = 5। अब यहाँ पे 5x - 7/3x = 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 = 6, तो 5x - 7 = 6, तो क्या के 6x - 5x = 7, तो 6 - 5 के x = -7। कि बेटा इसके जितने भी पार्ट हैं मैं करा दिया हूँ, इतना ही कॉपी में करना, बाकी ये पार्ट आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है बेटा, रफ कॉपी में।